तो यार ये तो हम सबको पता है कि कोई भी टॉपर चाहे पढ़ा कहीं से भी हो पर उसकी फोटो 10-10 कोचिंग वाले लगाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर इन ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वालों को उसकी कोचिंग से आखिर क्या क्या मिलता है? क्या कार मिलती है या पैसे मिलते हैं या फिर कुछ और भी मिलता है? मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शोएब आफ्ताब 2020 नीट टॉपर को किन किन कोचिंग से कितने पैसे और क्या क्या मिला था। और गाइस लास्ट में मैं आपको कि ऐसी पॉइंट बताऊंगा कि आपको भी इन टॉपर से थोड़ी जेलसी फील होगी और आपको भी टॉप करने का मन करेगा। अब बात करते पैसे की, तो कार्तिकेय गुप्ता जो 2019 के जेई एडवांस टॉपर हैं, उसको उसके खुद के कोचिंग से पूरे 21 लाख रुपए मिले थे और टॉप 10 वाले को लगभग 5-6 लाख रुपए मिलते हैं। अब बात करें शोएब आफ्ताब की, तो उसने अपनी वीडियो में खुद बताया था कि उसे एलन से 21 लाख, अन अकेडमी से 4 लाख, धर्निया से 2,20,000, प्रेप लेडर से 2,05,000, इवेंट से 1,10,000 और अगर इसका हम टोटल करें तो वो लगभग 35 से 40 लाख रुपए होती है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि तन्मय शेखावत जो 2016 का जेईई एडवांस टॉपर था, उसको पैसे तो मिले ही थे, साथ ही साथ उसे एक BMW कार भी मिली थी। अब बात बस यहाँ तक नहीं रुकती, ये टॉपर्स कई फेक प्रमोशन भी करते हैं, तो अगर हम उन सब को कंक्लूड करें तो रफली 1 करोड़ तक ये फिगर चला जाता है। अब ये फेक प्रमोशन सही है या गलत आप कमेंट करके ज़रूर बताना, पर उनके रिवॉर्ड्स तो उनकी मेहनत के लिए वर्थ इट हैं।